हमीरपुर शहर में लोगों को अब शुद्ध पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर परिषद हमीरपुर जल्द ही हमीरपुर में एटीएम आरओ लगाने जा रहा है। लोगों को मात्र 5 रुपए में 1 लीटर साफ पानी पीने को मिलेगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के अस्पताल चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड, अनु चौक सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ये वाटर एटीएम स्थापित करने का प्रपोजल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रायल के तौर पर पहला वाटर एटीएम आरओ बस स्टैंड पर लगाया जाएगा। इस वाटर एटीएम के सफल प्रयोग होने पर शहर के बाकी हिस्सों में इसे स्थापित किया जाएगा। लोग वाटर एटीएम में 5 रुपए से 1 लीटर शुद्ध पानी ले सकेंगे। लिहाजा अब हमीरपुर आने वाले लोगों को शुद्ध पानी के लिए दुकानों पर ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। नगर परिषद की ये सौगात लोगों के लिए राहत देने वाली है। कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि इसके लिए कमेटी मासिक बैठक में प्रस्ताव डालने जा रही है और प्रस्ताव पारित होते ही शहर के वाटर एटीएम लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वाटर एटीएम लगाने वाली कंपनी से समझौता किया जाएगा और इस मशीन का रखरखाव की सारी जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। नगर परिषद हमीरपुर का ये एक सोच रही है कि लोगों की सुविधा के लिए एटीएम वाटर एटीएम जो है लगाए जाए ताकि लोगों को शुद्ध स्वच्छ और पेयजल मिल सके, जिससे कि लोग टूरिस्ट लोग जो हैं इधर उधर आते हैं और पानी के लिए तरसते हैं। तो ये एक नगर परिषद की भी ये एक इच्छा है कि क्यों ना शहर में कुछ वाटर एटीएम लगाएं। तो हमारी ये प्रपोजल है कि 3 जगह जो है हमने प्रपोज किए थे जिसको अभी फाइनल रूप दिया जाना है, जैसे कि एक गांधी चौक पे, एक बस स्टैंड के बाहर और एक भोटा चौक पे, ये हम वाटर कूलर लगाने की सोच रहे हैं। इसका मेरे को सही अंदाजा तो नहीं है, पर फिर भी लगभग 50 पैसे से 1 रुपए के बीच जो है एक वाटर के पानी की एक बोतल जो है वो लोगों को सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें कि लोगों को पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा और वो एक एटीएम उनको इशू होगा, तो उसमें 1 रुपए के बीच 50 पैसे से 1 रुपए के बीच में बोतल उपलब्ध हो जाएगी, जबकि बाजार में वही बोतल जो है वो 20 रुपए की मिलती है। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी।